न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के बरेली में उस वक्त तड़का मच गया जब बरेली जिला अस्पताल की मोर्चरी के पीछे बने फर्नीचर की गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। किसी प्रकार स्थानीय लोगों की मदद और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिस जगह आग लगी वो सराय खाम मार्केट है और वहां पर फर्नीचर की दुकानें और गोदाम है। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बारा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक होगी। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर में जिला अस्पताल के कचरे को जलाया जा रहा था, तभी गोदाम में आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं गोदाम के मालिक मोइन खान का कहना है कि गोदाम में बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लग सकती। मेरा नाम मोहम्मद शानू उर्फ सुहैल है। जानना चाहेंगे ये आग किस तरह से लगी? आग इस तरीके से लगी, ना तो यहाँ कोई बिजली है ना कोई मीटर लगा था। जी, पीछे जिला हॉस्पिटल है, इलाज घर के पास कूड़े का ढेर कमर तक लगा हुआ है। सफाई कर्मचारी आता है, उनका सफाई करने वाला आता है, उससे मना करते हैं, भाई कूड़ा यहाँ मत लगाया कर, इतना बड़ा कूड़े का यहाँ पे खोल रखा है, यहाँ लाके कूड़ा डाला कर। तो वो डेली यहाँ आग लगा जाता है, हमारी बात नहीं मानते। और रही कोरोना की बात, लोग कह रहे हैं कोरोना चल रहा है, कोरोना से तो आदमी कम मर रहा है, इस कूड़े से ज़्यादा मर रहा है। पीछे इमरजेंसी है, मेन चीज़ की इमरजेंसी पे इतना इतना कूड़ा लगा रखा है, एक गाड़ी से ज्यादा हमारा माल जल चुका है। लगभग कितने का नुकसान हो गया होगा? लगभग हमारे इसको नुकसान हुआ है, कोई इसका आइडिया नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारी हर दूसरे तीसरे दिन डेढ़ दो गाड़ी माल उतरता। ये गोदाम आप ही का है? जी, हमारे भाई का है, बड़े मोइन का। क्या समाज से भी है वो? काय का गोदाम था ये? ये प्लास्टिक की कुर्सी हुई, इंटीरियर का जो भी है सामान सारा कुछ था इसमें।